एक वायरस निपाह जिसने पूरे देश में कोहराम मचा दिया है। सबसे पहले इसका असर केरल में देखने को मिला और उसके बाद देश के 5 राज्यों जम्मू कश्मीर, गोवा, राजस्थान, गुजरात और तेलंगाना में भी निपाह का असर देखा जा रहा है। उधर बात करें उत्तर भारत की तो उत्तर भारत में भी निपाह का असर देखा जा रहा है। हिमाचल के नाहन में स्थित स्कूल के प्रांगण में एक पेड़ में वर्षों से चमगादड़ रह रहे हैं, लेकिन बुधवार को अचानक ही दर्जनों चमगादड़ मरे हुए पाए गए, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने प्रदेश भर में अलर्ट जारी कर दिया है। उधर सरकार ने भी सभी विभागों को सतर्क रहने को कहा है। हालांकि हिमाचल में अभी तक इस वायरस का कोई भी मामला सामने नहीं आया है, लेकिन प्रदेश में आ रहे पर्यटकों की वजह से यहां वायरस पहुंचने की आशंका बढ़ गई है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग इसको लेकर सतर्क हो गया है। आइए आपको बताते हैं कि क्या है निपाह वायरस। निपाह वायरस एक तरह का पशुजन्य रोग है। मेडिकल टर्म में इसे NIV वायरस कहा जाता है। ये वायरस पैरामिक्सोवायरिडे फैमिली का सदस्य है। ये वायरस जानवरों से फलों में और फलों के जरिए लोगों में फैलता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक निपाह वायरस तेजी से उभरता वायरस है। क्या होते हैं निपाह वायरस के लक्षण? निपाह वायरस की चपेट में आने वाले इंसान को तेज बुखार, दिमाग या सिर में तेज जलन, दिमाग में सूजन और दर्द, मानसिक भ्रम, सांस लेने में परेशानी होती है। संक्रमण बढ़ने से मरीज कोमा में भी जा सकता है, जिसके बाद इसकी मौत हो सकती है।